और अब बात करेंगे सियासी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, आज लखनऊ में हो सकता है सियासी बवाल। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बवाल संभव है, फिर जेपीएनआईसी जा सकते हैं अखिलेश यादव। सुबह 10 बजे जेपीएनआईसी पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव, जिसको देखते हुए उनके घर के आसपास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को दे सकते हैं श्रद्धांजलि। पिछले साल भी इसी तरीके से बवाल हुआ था, जेपीएनआईसी के गेट पर चढ़ गए थे अखिलेश यादव और 8 फीट ऊंचे गेट से कूदे थे अखिलेश। गेट कूदकर जेपी नारायण को दी थी श्रद्धांजलि। तो जेपीएनआईसी जा सकते हैं अखिलेश यादव, कल देर रात को भी वो पहुंचे थे और उसके बाद टिन शेड्स वहां पर लगाए गए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी की सियासत में भारी उबाल और अखिलेश यादव देर रात जेपीएनआईसी पहुंचे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर घमासान देखा जा रहा है, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। आजादी का यह अमृतकाल दिखावटी है, रास्ता बंद करना बंद सोच का प्रतीक है, ये काम जेपी जी के लिए दुर्भावना दिखाता है। और भाई आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का कड़ा पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। 10 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने घर से जेपीएनआईसी जा सकते हैं और कार्यकर्ताओं को समर्थकों को रोकने के लिए यहां विशेष तैयारियां भी की गई हैं। और ये पिछले साल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस बार अखिलेश यादव क्या करेंगे? पिछली बार तो दीवार से कूद कर जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे थे और कल देर रात भी जेपीएनआईसी पहुंचे, लेकिन इस दौरान ये टिन के दरवाजे देखकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। तो सपा कार्यालय से लेकर जो अखिलेश यादव के घर के बीच की जो सड़क है उसको पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की जो इजाजत है वो नहीं है। सपा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। धीरे धीरे वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 10 बजे का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव अपने घर से निकलेंगे और जयप्रकाश नारायण की जो जयंती वहां पर फूल चढ़ाने के लिए जाएंगे। ये बताइए पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है, क्या करेंगे, क्या रणनीति? देखिए समाजवादी पुरोधा लोग ने आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, मैं उनको सशस्त्र नमन करता हूं। और ये ना मालूम कैसी आताताई सरकार चल रही है, कैसी तानाशाही सरकार चल रही है। ना तो ये सरकार महापुरुषों का सम्मान करती है, ना हम लोगों को किसी को महापुरुषों का सम्मान करने देती है। लेकिन हर वर्ष हम लोग वहाँ पे जाते थे, जो जेपीएनआईसी जो इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है, तो अभी तो बंद कर दिया गया। अब क्या जाएंगे कि क्या करेंगे? हम तो समझते हैं कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की सरकार की आंख खुले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंख खुलनी चाहिए। उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि सारी बैरिकेडिंग वगैरह हटा देनी चाहिए। तो अगर जाएंगे, लेकिन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम लोग, बिल्कुल जाएंगे। पिछले साल भी हम लोग कुछ भी और जाना, बिल्कुल महापुरुषों के सम्मान में कौन किसी को रोक सकता है। जाएंगे, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर बनाया गया है। जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है, सड़कों को रोक दिया गया है, ब्लॉक किया गया है। फिलहाल धीरे धीरे जो सपा कार्यकर्ता करने नहीं जा पाएंगे, जेपीएनआईसी के अंदर नहीं जा पाएंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कल यहां पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज जरूर दे दिया है। कल देखिए देर रात अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने साफ कर दिया, एक मैसेज दे दिया कि पुलिस चाहे जितना भी रोके हम पहुंचेंगे और किसी भी तरह से पहुंचेंगे। तो देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए, लेकिन तो अखिलेश यादव जब कल देर रात पहुंचे थे तो उस दौरान भी उन्होंने अपने साफ मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि हम जरूर जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। बीजेपी पर आरोप भी लगाए थे, उन्होंने कहा था कि महापुरुषों को अगर सम्मान देने के लिए श्रद्धांजलि देने हम जाना चाहते हैं तो उसको क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने बताया था कि ये एक सोच को दर्शाता है। भी अखिलेश यादव आपको याद होगा कि 8 फीट ऊंची जो दीवार थी वो भांग गए थे और यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, क्या प्लान है, जाएंगे क्या? बंद कर दिया गया, खुल भी जाएगा। हम समाजवादी लोग किसी बैरिकेडिंग से डरने वाले नहीं है, ये बैरिकेडिंग नहीं, जो भी बैरिकेडिंग होगी। साजन जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या क्या आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि पूरा तो बंद कर दिया गया, तो कैसे जाएंगे? रणनीति है कि हम लोग अगर वो बैरिकेडिंग लगा के विचारधाराओं को नहीं रोक सकते, हम लोग इस
बैरिकेडिंग को तोड़ के हम लोग आगे निकलेंगे और अपने जाएंगे जरूर। हाँ, कह रहे हैं कि वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। ये सरकार अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और ये लोग हिटलरशाही के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग, जयप्रकाश नारायण की जयंती आज है, जयप्रकाश नारायण का नारा था कि पूर्ण आजादी, संपूर्ण आजादी, और उन्होंने उनको लोकनायक की संज्ञा दी गई। तो हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या फिर गेट फांद कर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे, सवाल यही खड़ा हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जरूर जाएंगे, महापुरुष हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात JPNIC ही पहुंचे थे अखिलेश यादव और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। पिछली बार भी ऐसे ही यहां पर बवाल देखने को मिला था जब गेट से फांद कर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी थी। बंद कर दिया गया और जो कार्य यहां पे अधूरे थे उस कार्य को भी रोक दिया गया है। वैसे ही स्थिति बनी हुई, यहां पे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ना ही आम पब्लिक जा सकती है, ना ही हम लोग जा सकते हैं, या फिर कोई नहीं जा सकता है अंदर। पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। एक बार अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे, किसी तरह से वो ऊपर चले गए, ऊपर जाके वो जो हेलीपैड बनाए वहां पर बैठे, उन्होंने फोटो सेशन कराया और उसके बाद तमाम विवाद खड़े हुए, कई अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। तो दूसरी तरफ अगर तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें हैं। देर रात भी अखिलेश यादव JPNIC पहुंचे थे और यहां उन्होंने जब टिन गेटों को देखा तो उसके बाद बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए कि बीजेपी ये बेचना चाहती है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है, निर्माण की बात यहां कही जा रही है। और ये अखिलेश यादव के घर के बाहर आप घेराबंदी देख रहे हैं, जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, तमाम फोर्सेस को यहां तैनात किया गया है, सुरक्षा का सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। तो JPNIC के बाहर बड़े बड़े टिन गेट्स लगाए गए हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है। तो दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर जाएंगे, हालांकि प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अब यूपी की सियासत गर्म हो गई है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, लखनऊ से प्रीति इस वक्त हमारे से जुड़ गई है। प्रीति, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव के घर के बाहर की आप तस्वीरें दिखाइए और अगर समर्थक वहां पर मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव के घर को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अखिलेश यादव के घर से लेकर ये 50 कदम की दूरी पर सपा कार्यालय है और उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है और जो आप सामने देख पा रहे होंगे बस ये अखिलेश यादव का घर है और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर सपा कार्यालय है। हालांकि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंचने के लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि वो हर हाल में वहां पर पहुंचेंगे, 10 बजे का कार्यक्रम है, उनके जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहां पर पहुंचना जो है शुरू कर दिए हैं और यहां पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जरूर जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार भी अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया था। यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए, उनसे बात करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है ये पूरी सड़क पर आ रहे हैं, धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि पूरे तरीके से तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो कैसे जाएंगे? ये छावनी कौन सी छावनी, पिछले साल भी हम लोग ऐसे 8 फीट का गेट था, 8 फीट नहीं 80 फीट का गेट लगा हुआ था कि महापुरुषों के सम्मान से कोई किसी को रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र तो संविधान भी कहता है। भाजपा कह रही है कि वहां पे काम चल रहा है तो वहां पे जाना सेफ नहीं है। भाजपा कौन होती है कहने वाली, ये सरकार, ये प्रशासन कह सकता है और LDA ने ये कहा है कि वहां पर से किस तरीके से सेफ नहीं है। अरे इतनी बड़ी महापुरुष की समाजवादी सरकार में JPNIC इतनी अच्छी भव्य बिल्डिंग बनी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, तो जाएंगे जरूर, बिल्कुल जाएंगे हर हाल में। जी 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 बिल्कुल, पुलिस पूरी लगाई गई है, पूरा छावनी में पुलिस हमारा सहयोग करेगी, महापुरुषों के सम्मान में हम समझते हैं सहयोग करेगी, जाने का प्रोग्राम है पूरा, बिल्कुल जाएंगे।
बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जी निश्चित रूप से जाएंगे। रोका गया है, कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है। कोई नहीं रोकना है, 5 साल से वो बिल्डिंग हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम वो बनी थी, तब से उसमें काम आएंगे जरूर। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, सामने हर तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख पा रही होंगी कि किस तरीके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। ये बताइए, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो कैसे जाएंगे आप लोग? हम लोग जो है पूरी तरह आप बन गए। हाँ, कैसे जाएंगे? हम लोग हर बार जाते हैं, जाएंगे। ये लोग, इन लोगों का काम है, जो जितने क्रांतिकारी साथी हैं जो आंदोलन करते थे, जयप्रकाश जी आंदोलन के लिए इतने महान, के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है। देखिए ये कार्यकर्ता जो है पहुंच रहे धीरे धीरे, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, भारी संख्या। ठीक है प्रीति, आप ऐसे ही कार्यकर्ताओं से बातचीत करती रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। तुषार श्रीवास्तव भी हमारे से जुड़ गए। तुषार, जेपी के नाम पर ये किस तरीके की सियासत है? एक तरफ प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव वहां जाने पर अड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर आना चाहते हैं और उन्होंने कल देर रात यहाँ पर आके अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया है कि चाहे प्रशासन किसी भी तरह से रोके वो यहाँ पे जरूर पहुंचेंगे। और आज भी देखिए अखिलेश यादव की पूरी तैयारी है, उनके कार्यकर्ता उनके घर पर जुटना शुरू भी हो चुके हैं, भले ही पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, पूरे इलाके को जो है वो सील कर रखा है, चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो जेपीएनआईसी के बाहर की तस्वीर है, देखिए किस तरह से यहाँ पे पीएसी जिले पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा घर पर भी ऐसी ही फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ ही खुद जो पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद हैं कि अगर अखिलेश यादव इन केस किसी भी तरह से यहां पहुंचते भी हैं तो उन्हें अंदर जाने से रोका जाए, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार तो उन्होंने 8 फीट की दीवार जरूर कूद कर चले गए थे उस पार, लेकिन इस बार 20 फीट की दीवार बनाई गई है कि कूद ही ना पाए, ऊपर चढ़ ही ना पाए। और देखिए पूरी टीन सेट यहां पर लगा दी गई है, टीन सेट से इस पूरे जेपीएनआईसी गेट को बैरिकेड कर दिया गया है कि उस तरफ ना जाने पाए, और पूरे रोड को भी चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, इधर कोई भी आदमी नहीं आ सकता, आम आदमी भी नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो बैरिकेटिंग है वो दोनों तरफ की गई है, तो अखिलेश यादव का यहां आना मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव को जिस तरह से जो लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानती है, सरकार भी जानती है कि अखिलेश यादव किस टाइप के नेता है, किस तरह से वो सड़कों पर रहते हैं और कैसे वो देर रात यहां पर पहुंच गए थे। और देखिए वो यहां पर आके जितना भी उनको जो मैसेज देना था वो पूरा मैसेज उन्होंने दिया, यहां पे जेपीएनआईसी आए थे रात में 11:30-12 बजे करीब वो यहां पर पहुंचे, और पहुंच के उन्होंने इस टीन सेट पे जो निर्माणाधीन लिखा था, बिल्कुल, तो सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जाने पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।